नमस्कार, स्वागत है आपका एच सी एन न्यूज में और मैं हूं कमल। मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चिंता जताने वाली 49 हस्तियों के खिलाफ केस दर्ज होने के विरोध में 180 नामचीन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और इतिहासकार रोमिला थापर समेत 180 प्रसिद्ध हस्तियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि देशद्रोह का मामला कैसे बन सकता है। पत्र में सभी व्यक्तियों ने कहा कि वे लोगों की आवाज को दबाने के खिलाफ लगातार बोलते रहेंगे। सोमवार को जारी इस पत्र में कहा गया कि हमारे 49 हस्तियों के खिलाफ पुलिस में केवल इसलिए मामला दर्ज किया गया क्योंकि उन्होंने देश में मॉब लिंचिंग पर चिंता जताकर नागरिक के कर्तव्य पूरा किया था। क्या नागरिकों की आवाज को बंद करना, अदालत का दुरुपयोग करना उत्पीड़न नहीं है? 180 हस्तियों में लेखक अशोक वाजपेयी, जेरी पिंटो समेत कई ऐसे नाम हैं जो इस पे आवाज उठा चुके हैं, जिसमें कई फिल्मकार भी शामिल हैं। पत्र में कहा गया कि हम सभी भारत के सांस्कृतिक समुदाय के सदस्यों और एक नागरिक के रूप में इस तरह के उत्पीड़न की निंदा करते हैं। हम अपने साथियों द्वारा मोदी को पत्र लिखकर प्रत्येक शब्द का समर्थन करते हैं, इसलिए हमने पत्र को साझा किया है। शैक्षणिक और कानूनी समुदाय से जुड़े लोगों से भी ऐसा अपील करते हैं। मॉब लिंचिंग और लोगों की आवाज को दबाने के खिलाफ हम रोज बात करेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में 49 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को लेकर मोदी को खुला पत्र लिखने वाले 49 नामी लोगों के खिलाफ 3 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में केस दर्ज किया गया था। स्थानीय वकील सुधीर कुमार ओझा की ओर से 2 महीने पहले दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट सूर्यकांत तिवारी के आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया था। 2014 के बाद से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले के 90 मामले दर्ज हुए। पत्र में प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए कहा गया था कि मई 2014 के बाद से जब से आपकी सरकार सत्ता में आई है तब से अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ हमले के 90 मामले दर्ज हुए। प्रधानमंत्री जी, आप संसद में लिंचिंग की घटनाओं की निंदा कर देते हैं जो पर्याप्त नहीं है। सवाल यह है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? 49 हस्तियों के पत्र के जवाब में 62 हस्तियों ने खुला कर दिया। 49 हस्तियों के पत्र के जवाब में कंगना रनौत, प्रसून जोशी समेत 62 हस्तियों ने खुला पत्र लिखा था। उनका कहना था कि कुछ लोग चुनिंदा तरीके से सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हैं, इसका मकसद सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों को बदनाम करना है। उन्होंने पूछा कि जब नक्सली वंचितों को निशाना बनाते हैं तब वे क्यों चुप रहते हैं? मॉब लिंचिंग की घटना प्रत्येक प्रदेश में हो रही है, जिस पे लोग सवाल उठाते हैं, विरोध करते हैं और सरकार से सवाल भी पूछते हैं, लेकिन सरकार इस पे अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाई है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो दर्शक HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।